नाज़रीन, रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने 10वें यूम तासीस के मौके पर यानी 10वें तेलंगाना डे फॉर्मेशन के सेलिब्रेशन के मौके पर रियासत तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने रियासत तेलंगाना के तमाम सरकारी मुलाजमीन और रियासत तेलंगाना के तमाम सरकारी पेंशनर्स को एक खुशखबरी सुनाते हुए नज़र आया है, जहाँ पर उन्होंने डियरेंस अलाउंस के ताल्लुक से बात किया यानी डीए के ताल्लुक से बात करते हुए नज़र आया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने तमाम डियर सरकारी मुलाजमीन और सरकारी पेंशनर्स को 20.02% से 22.75% डियरेंस अलाउंस बढ़ाया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि यह डियरेंस अलाउंस जून की सैलरी में दिया जा रहा है, जहां पर 21 जुलाई से ये डियरेंस अलाउंस सैलरी के थ्रू दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि लगभग रियासत तेलंगाना में 7,28,000 सरकारी मुलाजमीन को इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। उन्होंने वाजे तौर पर ये बात मीडिया के सामने ऐलानात करते हुए नज़र आए हैं। आइए देखिए नाज़रीन, आयन क्लब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से सरकारी मुलाजमीन और सरकारी पेंशनर्स के ताल्लुक से डियरेंस अलाउंस की ये खबर हम आपको दिखा रहे थे। मैं मोहम्मद हाजी अली, आप देख रहे हैं नया इनकलाब न्यूज़। एमटीएन ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें।